हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दिल्ली की फेमस राम लड्डू की रेसिपी। और राम लड्डू मतलब मूंग के बड़े के लड्डू होती है, इसको लड्डू बोलते हैं। आई डोंट नो क्यों बोलते हैं, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट होती है। खासकर जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनको ज़रूर पता होगा कि लाजपत नगर पे राम लड्डू की जो स्टॉल है ना, कभी भी खाली नहीं होती। और उसको खाने वाले लोग अमीर गरीब और बड़े से बड़े लोग होते हैं। और इसका स्वाद ही कुछ ऐसा है कि लोग उस दुकान की तरफ भागे चले जाते हैं। तो ये स्टॉल वाली राम लड्डू की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और आई होप कि आप सबको पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भिगोना होता है। भिगोने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 कप मूंग का दाल, आधा कप चने का दाल। ये देखिए, चना थोड़ा मोटा होता है और मूंग थोड़ा पतला होता है, रंग दोनों का एक सा होता है करीब करीब। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मूंग का दाल है और कौन सा चने का। ये है उड़द की दाल, ये थोड़ा सफ़ेद होता है। ये सब बिना छिलके की होती है। ये मैं बता दूं, कई बार आप बच्चे क्या करते हैं कि छिलका वाला और बिना छिलका वाला नहीं समझ पाते, तो ये बिना छिलके की दाल है। चलिए इसको भिगोने के लिए हम रख दिए हैं। और उसके बाद सबसे पहले जो तैयारी करेंगे इसके सलाद की, तो राम लड्डू के ऊपर ना एक मूली का जो है सो एक सलाद डाला जाता है, मूली को घिस के डाला जाता है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके पत्ते थोड़े हरे वाले आप ले लें, जो हल्का पीला हो उसको हटा दें। और ये पत्ते बड़े काम आने वाले हैं इस रेसिपी में, इसलिए इसको फेंकना नहीं है, इसको रखना है। तो देखिए, इसको जड़ से थोड़ा सा ऊपर हमने काट लिया और मूली के अंदर जड़ से काट दिया। और उसके बाद मूली को दोनों तरफ से काट के इसको छील लेंगे। और मूली को जैसे सलाद के रूप में काटते हैं ना गोल गोल, हमें वैसा नहीं काटना, हमें थोड़ा इसको कद्दूकस करना है। तो अच्छे से इसको छील लें, पहले धो लें और उसके बाद इसको कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए बाद में करेंगे। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि ये जो इसकी जो ये मूली के जो डंठल होती है ना, इसकी भी सब्जी बनती है। तो आप लोग कभी अगर नहीं खाए हों तो मैं ज़रूर रेसिपी शेयर कर दूँगी। और इसके पीले वाले पत्ते को हमें हटा देना है, और थोड़े मोटे वाले जो पत्ते होते हैं ना उसको भी हटा देना है। थोड़ा ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट पत्ते होने चाहिए जिसको हमें रखना है। तो चलिए पहले मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ मूली को। और मूली को कद्दूकस करने के लिए मैंने बड़े वाले जो छेद होते हैं ना उसके उस तरफ से किया है, थोड़े मोटे मोटे भी होने चाहिए। और इसे पानी में डाल दिया है। तो एक एक सीक्रेट है कि अगर मूली को आप इस तरह से घिस के और पानी के अंदर डाल दें तो ये आपका मतलब कम से कम 24-25 घंटे तक ताज़ा रहता है, खास के ठंड में। गर्मियों का मैं नहीं बता सकती, गर्मी में आप फ्रिज में रख दें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसको पानी में रख दे तो ये इसके अंदर से एक जो मॉइस्चर वाला पानी निकलता है ना वो भी नहीं निकलेगा, और मूली एकदम कड़क होगा। तो चलिए चटनी बनाने के लिए शुरू करते हैं। यहाँ पर धनिया पत्ता लिया है, हरी मिर्च लिया है, नींबू लिए और मूली के पत्ते लिए हैं। तो ये मूली के पत्ते ना जरूर इस चटनी के अंदर डालते हैं, इसी से तो इसका स्वाद आता है। उसके बाद हमें लेना है नमकीन भुजिया, आलू भुजिया इसको कहते हैं, या फिर आपके पास अगर बूंदी हो रायते वाली बूंदी वो भी डाल सकते हैं, या नमकीन कुछ भी हो वो आप डाल दीजिए। तो चलिए पीस लेते हैं इसको। और पीसने के लिए सबसे पहले मूली के पत्ते, इसके छोटे छोटे जो एकदम सॉफ्ट वाले थे ना उसको मैंने रखे हैं, और बाकी मोटे वाले और पीले वाले पत्ते हटा दिए हैं। उसके बाद रखेंगे ये आलू भुजिया। आलू भुजिया के बाद मैं डाल रही हूँ ये हरी मिर्च और धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा कट कर लें, क्योंकि ये फिर पीसने में परेशानी कर सकता है, बड़े बड़े रहते हैं तो। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना के पत्ता भी डाल दीजिए, मैंने पुदीना नहीं डाला। और पुदीना से भी एक अलग स्वाद आता है, लेकिन उसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो फिर पुदीना ही स्वाद लगता है। इसलिए इसमें खासकर मूली के पत्ते और धनिया के पत्ते का ही स्वाद ज़्यादातर आता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के हम पीस लेंगे। बाद में डालेंगे नमक और नींबू का रस। तो चलिए पहले मैं पीस लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के, बिना पानी डालने से बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो
तो देखिए ये हमने पीस लिया और इसमें हमने डाला नमक, और नमक के बाद डाल रही हूँ नींबू का रस। अच्छा ये चीज़ें मैं अभी हाफ डाल रही हूँ, अगर इसको चखने के बाद आपको लगे कि इसका खट्टा कम है या नमक कम है तो आप फिर से उसमें डाल सकते हैं दोबारा से, क्योंकि इसका खट्टा चटपटा स्वाद जो है ना वही अच्छा लगता है। अच्छा चटनी इसकी थोड़ी पतली होती है, गाढ़ी नहीं होती है, तो आप इतना इसको बना ले, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो हल्का तो गाढ़ा लोग बना ही लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी डाल के पतला कर लें, जैसे कि मैंने कर लिया। अब यहाँ पे दाल हमारा 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको भिगोने के लिए रख दिया था, ये पूरी तरह से भींग चुका है, अब इसको हम पीसेंगे। तो जब दाल को इस तरह से पीसना हो ना तो खूब अच्छे से उसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोइए, तभी वो अच्छे से पीसता है। तो चलिए इसको अब हम पीस लेते हैं। एक बार पीस चुका है इसको, कम से कम 3 बार में मैंने पीसा था, क्योंकि हमारा बर्तन जो है वो छोटा है तो इसलिए इसको हमने थोड़ा थोड़ा दाल करके पीसा है, और दाल पीसने में मिक्सी का काफ़ी हार्ड हो जाता है तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके पीसे, क्योंकि हो सकता है कई बार मिक्सी ना बैठ जाती है। तो चलिए इस तरीके से मैंने पीस लिया है, और खूब पतला पीसना है आपको। इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ही अंदाजे से डालना है, मतलब इतना ही डालना है कि जिससे दाल पीस जाए। अगर आपने ज़्यादा डाल देंगे तो पानी तो फिर वो पतला हो जाएगा ग्रेवी और पेस्ट, और वो फिर बनाने में मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ना तो बहुत पतला है और ना बहुत मोटा है। तो इस तरीके से हमने इसको पीस लिया और एक बड़े बर्तन में ले लिया। तो बड़े बर्तन में लेने से ये फ़ायदा होगा कि हमें मिलाना है इसको, तो इसे हमें एक ही तरफ से मिलाना है, जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं उस तरीके से। अगर इसको एक तरफ से ऐसे करके, और यदि आपका हाथ लगे कि दर्द हो रहा है तो आप दूसरी तरफ से जब करेंगे तो एकदम से लगातार 5 मिनट तक आप उसी रफ्तार से करेंगे। आप चाहे तो मिलाने वाला जो होता है उससे भी कर सकते हैं, और व्हिस्कर से भी कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं हाथ से कर रही हूँ। हाथ से करने से क्या होगा कि इसमें खूब फ्लफी पेन आएगा और ये खूब अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए इसको हमने लगातार मिलाते रहने की वजह से क्या हुआ कि एकदम हल्का हो गया। मैंने इसके अंदर कोई सोडा नहीं डाला, कोई नमक नहीं डाला अभी तक, और भी कोई चीज़ें नहीं डाली हैं। और ये अभी हो चुका है, तैयार हो गया हमारा ये जो मिश्रण है दाल का वो। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, साथ में डालेंगे चटनी, जो चटनी हमने पीसी है ना वही वाली। तो आपने कभी खाई हो तो आप ज़रूर देखना कि मूंग के जो वो लड्डू होते हैं ना वो वैसे भी मिर्च लगते हैं पर रंग नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें थोड़ी सी चटनी मिलाई जाती है। ये हलवाइयों का ना एक ट्रिक होता है, कोई भी चीज़ कैसे बनाते हैं वो आपको जानकारी अच्छे से रखनी पड़ती है। तो आज मैं आपको ये ट्रिक बता देती हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी चटनी डाल दें, इसका स्वाद एकदम हाई लेवल का आएगा, बिल्कुल ही वो जो बाज़ार में बिकते हैं ना राम लड्डू वैसा ही आएगा। बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटे चम्मच का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर चम्मच को थोड़ा सा पानी में भिगो लें और उसमें डालें, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, हाई पर मत रख करें तेल को गर्म, थोड़ा धीमा करके ही तेल को गर्म करें, और देखिए कुछ इस तरीके से इस चम्मच से हम डाल देंगे। तो इससे आसानी तो होती है और बड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। आप कोई भी शेप का बनाएंगे, गोल बस पड़ना चाहिए उसके अंदर तेल, अपने आप ये जो ये मूंग है ना लड्डू वो अपने आप गोल गोल हो जाएगा। अगर आपका बेसन जो हमने दाल को जो भिगो के पीसा है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मथना होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही सही तरीके से मथ चुका है, और आप देख सकते हैं कि अपने आप ही ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। जैसे ही तेल गर्म है ये देखिए कैसे फूल के बिल्कुल ही ऊपर की तरफ आ गया। तो इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये अपने आप ही इतने हल्के हो रहते हैं कि वो एकदम से बढ़िया से ऊपर से आ जाते हैं। और जो साइड में थोड़े से कम तेल की साइड पड़ा है तो उसको हल्का सा छोड़ दें, और फिर धीरे धीरे उसको भी पलट देंगे हम। तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप ही पलट जाते हैं, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप चाहे तो आंच को तेज कर लें,
हाई फ्लेम कर लें, क्योंकि अब जो तेल है वो इस मिश्रण को अपना अंदर तक ले चुका है। अब अगर आप तेज करते हैं तो इसका रंग अच्छे से आएगा, जैसे कि आप देखिए ये फटाफट अपने आप ही गोल गोल निकल रहे हैं, इसमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये राम लड्डू ज़रूर आप लोग अपने घर में बनाइएगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, और रेसिपी कैसी बनी है वो कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे आँच को तेज कर दिया और ये अब अपने आप ही इतना सुंदर कलर आ गया है। तो ये कलर जब भी इस तरीके का आ जाए तो समझ जाइए आपके राम लड्डू तैयार है। बस इसको निकालना है हमें, और जो मतलब थोड़ा भी लगे कि थोड़ा सफ़ेद रह गया है तो उसको उलट पलट के आप बराबर बराबर से तैयार कर लें। तो अब बिल्कुल इसका परफेक्ट कलर आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए किसी भी प्लेट में निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस देखिए कितने अच्छे से निकल गया ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाथ से कैसे बनाते हैं। तो हाथ में पानी लगा के और बिल्कुल इस तरीके से आप डाल दीजिए। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ गया कोई बात नहीं। तो चलिए इस तरीके से जैसे हम बड़ी बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। हाथ से भी अच्छे से हो जाता है, चम्मच से भी हो जाता है, आपको जिससे सुविधा लगे आप उसी से बनाइए। क्योंकि ये बनाने से मतलब है ना कि इसके कोई ऐसा है कि इसका सेप, तो सेप तो अपने आप ही गोल आ ही जाएगा चाहे आप हाथ से बनाएं या चम्मच से बनाएं। बस उसको डालने के टाइम थोड़ा ध्यान से कि गोल में ही बने। और बस ये अब देखिए ये दूसरा वाला भी जो घानी है वो तैयार हो गया है। और अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना हल्का है और अंदर से कितना बढ़िया बना है। ये थोड़ा काट के मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये अंदर से छेद छेद आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक गया है। और इसकी आवाज सुनिए, तो ये इस तरीके की इसकी आवाज है, बिल्कुल ऊपर से कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैं डोंगा ले रही हूँ एक, और डोंगे में सारे जितने भी आ सकते हैं इसमें, तो कहते हैं ना मार्केट में 20 रुपए के 50 रुपए के, तो उसी हिसाब से है ये। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 6-7 पीसेस डाल दिए हैं, और ऊपर से ये जो हमने मूली के जो सलाद घिस के रखे थे पानी में, वो पानी निचोड़ के और इसको इस पर रखिए एकदम कड़कड़े से प्यार। मतलब आप मूली जब पानी से निकाल के इसको रस निचोड़ के इसको डालेंगे ना, ये इतना कुरकुरा सा मूली का सलाद है कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से डालेंगे हम जो हमने हरी चटनी बनाई थी वो, क्योंकि हरी चटनी के बिना तो कोई स्वाद आना ही नहीं है। इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं एक हरी मिर्च के साथ, या फिर इस पर आप थोड़ा सा मसाला वगैरह भी छिड़क सकते हैं। तो देखिए पहले इसे देख लीजिए कि इसको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए फिर आप भी बनाइए इसको देख के राम लड्डू, और ये खा के भी दिखा देती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इसको मूली के साथ उठाएं और खाएं, और खा के बताएं कि ये कैसी बनी है। तो चलिए इस पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मसाला भुड़क सकते हैं, जैसे कि चाट मसाला हो गया, जीरा पाउडर, और चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं, या नहीं तो रेड चटनी जो होती है वो डाल दें। मैं यहाँ रेड चटनी का यूज नहीं कर रही हूँ, मिर्च गिर गया। तो चलिए बनाइए खाइए, और फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए।